गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दैट इज वर्ब्स, राइट। वर्ब्स के बारे में हम अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड किसी काम को एक्शन की तरह जब किया जाता है, जो वर्ड्स एक्शन दिखाते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। इट टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। ये हमें ये बताता है कि कोई लिविंग बींग या कोई नॉन लिविंग क्या कर रहा है। अब आप में से कई सोचेंगे कि नॉन लिविंग कैसे कुछ कर सकता है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, वो कुछ करती है? करती है ना, इट वॉशिज क्लोथ्स। सो someone or something is doing. For example, Alex dances well. अब Alex क्या कर रही है? Dance कर रही है। तो ये क्या है? उसका action है। तो ये dances क्या हो गया? ये dances verb हो गया। So a verb can tell us about a physical action. फिजिकल एक्शन का मीनिंग कि फिजिकली जब कुछ मूवमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल स्विम तो मूवमेंट होती है, ईट, रीड, क्लाइम, अभी अभी हमने एग्जाम्पल में किया डांस, राइट। सेकेंड है मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन क्या है? जब हमारा दिमाग कोई एक्शन कर रहा होता है, थिंक, गेस, फील एटसेट्रा। अ स्टेट ऑफ बींग। स्टेट ऑफ बींग क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? स्टेट ऑफ बींग। इनके बारे में डिटेल में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और पोजिशंस, पोजिशंस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हैज, हैव, हैड, वो वर्ड्स जिनसे किसी चीज पे आपकी ओनरशिप का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? पोजिशन कहते हैं। द वर्ब इज द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस। जो वर्ब होती है वो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड होती है। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। ये कुछ क्वालिटीज हैं वर्ब्स की। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्ब्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कम आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। नॉर्मली वर्ब किसके बाद आती है? या तो नाउन के बाद और प्रोनाउन के बाद। वर्ब्स हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। एक्शन वर्ब, इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है, जिससे हमारे फिजिकल एक्शन का पता लगता है। सेकेंड है लिंकिंग वर्ब और थर्ड है हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो चीज़ों को लिंक करने के लिए जो यूज की जाएगी वो क्या है? लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज की जाएगी वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? सो एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस। एक्शन वर्ब्स एक्शन एक्सप्रेस करती हैं। समथिंग दैट एन एनिमल और अ पर्सन और अ थिंग डज। कोई एनिमल, कोई पर्सन या कोई थिंग जब कोई काम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब। द एक्शन कैन बी फिजिकल और मेंटल। दो तरह का हो सकता है, फिजिकल एंड मेंटल। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं? फिजिकल एक्शंस, रन, स्विम, इसमें सब में कुछ ना कुछ फिजिकली मूवमेंट होती है। स्पीक, मूव, चीयर, जंप, ब्रीथ, ईट, किक एंड क्लैप। मेंटल एक्शंस, जिसमें ब्रेन एक्शन में आता है, थिंक, ड्रीम, पॉन्डर, रिमेंबर, बिलीव, वंडर, इमेजिन एंड फॉरगेट। सो देर आर मेनी मोर। नाउ फिजिकल एक्शंस एंड मेंटल एक्शंस आर क्लियर। लेट अस गो थ्रू एन एग्जाम्पल। आई रिलैक्स्ड ऑन द बीच। इसमें रिलैक्स्ड क्या है? एक्शन वर्ब है। बट फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन? फिजिकल एक्शन। व्हाई? बिकॉज ब्रेन हैज नॉट बीन यूज्ड इन दिस। इट इज अ फिजिकल एक्शन।
रवि इज रीडिंग हिज बुक. रीडिंग क्या है? एक्शन वर्ब है. आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है. इसमें फिजिकल एक्शन है? नहीं. इसमें क्या है? मेंटल एक्शन है. है ये भी एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब्स कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं एक्शन वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा ही होगा मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. रवि किक्ड द बॉल. रवि ने बॉल को किक किया. ठीक है, रवि क्या है? सब्जेक्ट है. किक क्या है? वर्ब है. द बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है. हमने यहां पे किया टू कंप्लीट द मीनिंग. दिस मींस अगर हम सिर्फ लिखते रवि किक्ड तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होता? नो, दिस वॉज नॉट कंप्लीट. रवि ने किक किया बट किसे? द बॉल जरूरी था सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसका मीनिंग कंप्लीट कन्वे करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. मोहित बोट अ बाइसिकल. मोहित सब्जेक्ट, अ बाइसिकल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आ गया तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? इंट्रांजिटिव वर्ब्स. एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में कंप्लीट होता है एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, और उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. वहां पे हमने किया था उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. रवि स्नीज्ड. रवि क्या है? सब्जेक्ट है. स्नीज्ड क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है और इंट्रांजिटिव है. द बॉय स्लेप्ट अर्ली. द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है. स्लेप्ट क्या है? वर्ब है और इंट्रांजिटिव है. अर्ली क्या है? एडवर्ब्स है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशंस बट दे आर नेवर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उनके पास. एडवर्ब्स भी आ सकती हैं और प्रीपोजिशंस भी आ सकती हैं. क्लियर? टू डिटरमिन इफ अ वर्ब इज ट्रांजिटिव आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाट आफ्टर द वर्ब. अगर अब आपने अपने आप को पूछना है कि क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, तो अपने आप को क्वेश्चन पूछना है व्हाट के साथ. If you find an answer in the sentence, the verb is transitive. अगर आपको what का answer मिल जाता है तो sentence क्या है? Transitive है. Suman bought an apple pie. अब उन्होंने कहा था what को verb के साथ लगा के, तो हमने क्या बनाया? What did Suman buy? Answer आया apple pie. Answer है, that means ये क्या है? Transitive. सेकेंड है लिंकिंग वर्ब. अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. जो लिंकिंग वर्ब है वो डिटेल ऐड करती है सब्जेक्ट के बारे में. इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. ये सब्जेक्ट को ऐड करती है और कॉम्प्लीमेंट को ऐड करती है. जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर बी वर्ब्स. बी वर्ब्स भी बोला जाता है इन्हें. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं. ये कैसे यूज होती हैं? शी नाइस, लिंक किया वॉज ने, सेंटेंस को कंप्लीट किया वॉज ने. शी वॉज नाइस. आई थर्स्टी, लिंक किया एम ने, आई एम थर्स्टी. कुकीज डिलीशियस, आर ने लिंक किया, कुकीज आर डिलीशियस. मिसेस जोकोबो डैश अ टीचर, इज अ टीचर. तो लिंकिंग वर्ब क्या है? सेंटेंस के टू पार्ट्स को आपस में लिंक करने के लिए यूज की जा रही है. राइट? अदर लिंकिंग वर्ब्स आर एक्ट,
फील, गेट, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, एटसेट्रा, ये भी कुछ और लिंकिंग वर्ब है। जैसे हमने लिखा है वॉटरमेलन टेस्ट गुड, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? हाउ टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट इफ अ वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब यू शुड रिप्लेस इट विद द फॉर्म ऑफ बी। बी की फॉर्म कौन सी थी हमने अभी अभी किया, बी की फॉर्म थी इज, एम, आर, वॉज, वर, हम उससे इनको रिप्लेस कर देंगे, टेस्ट को रिप्लेस कर देंगे अगर हम इस वर्ड को, तो सेंटेंस सही बनेगा, वॉटरमेलन इज गुड, सेंटेंस कंप्लीट है। दैट मीन्स इट इज अ लिंकिंग वर्ब, नॉट एन एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, एज द नेम सजेस्ट, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए ये यूज की जाती है। दे आर यूज टूगेदर विद द मेन वर्ब, एक्शन वर्ब के साथ हेल्प करने के लिए जो यूज की जाती है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टू फॉर्म टेंसेस, आस्क क्वेश्चंस एंड शो नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब्स आर फॉर्म्स ऑफ बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है, बी की फॉर्म्स हैं, यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, मोम इज मेकिंग डिनर फॉर अस, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और एक्शन वर्ब क्या है, मेकिंग, यहां पे फिजिकल एक्शन हो रहा है। जूली वॉज डूइंग हर होमवर्क एट 7 PM, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग क्या है, डूइंग इज एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ हैव, हैव, हैज, हैड, यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंस में हम हैव की ये वाली फॉर्म्स यूज करते हैं। आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ चुका हूं। द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, हैज बीन प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड क्या है, एक्शन वर्ब है, हैज ने साथ में क्या किया, हेल्प किया, तो हैज, हैड और हैव किसमें यूज होंगे, परफेक्ट टेंसेस में यूज होंगे। टेंसेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ डू, डू, डज, डिड, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्रेस नेगेटिव्स एंड प्रोवाइड एम्फेसिस। क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव चीजों को शो करने के लिए यूज किया जाता है, और एम्फेसिस किसी चीज को स्पेशली हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। डू यू ड्रिंक कॉफी, क्वेश्चन पूछने के लिए हमने डू को यूज किया। आई डिड नॉट नो द आंसर, यहां पे हमने नेगेटिव एक्सप्रेशन में इसको यूज किया। नेक्स्ट है मोडाल वर्ब्स, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, मे, एटसेट्रा, ये सब क्या है, मोडाल्स हैं। ये किस लिए यूज किए जाते हैं, यूज टू इंडिकेट नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत, पॉसिबिलिटी, किसी की काम करने की कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एटसेट्रा। आई मे बी लेट फॉर द मीटिंग, मैं मीटिंग के लिए लेट हो सकता हूं, यहां पे क्या है, मे है, पॉसिबिलिटी है कि मैं, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, कैन, यहां पे क्या है, परमिशन है कि तुम्हारी जितनी खाने की इच्छा हो तुम खा सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर बेसिक वर्ब्स एंड आई होप दीज आर क्लियर टू यू। टुमोरो वी विल डिस्कस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट, ओके, टेक केयर, गुड बाय।